तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहता है मधुसूदन सुदन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 हाउसहोल्ड प्रोडक्ट ए बी सी एंड सेलिंग देम इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट. डिटेल ऑफ करंट डिमांड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो. एक्सपेक्टेड डिमांड इनकी इतनी यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपए का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 3 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए के, फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपए के. द कंपनी इज फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय एक्यूट स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कहता है रॉ मटेरियल की कमी है एंड हाई लेबर टर्नओवर और लेबर का आना जाना भी ज्यादा है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. आपके सामने कुछ सिचुएशन दे रहे हैं क्या. पॉइंट नंबर ए, रॉ मटेरियल अवेलेबल विल ओनली बी 12,100 kg, क्योंकि कमी है हम इतना ही खरीद पाएंगे, कितना 12,100 kg. और जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो भी सिर्फ 5000 आवर्स ही है आपका रहेगा. सजेस्ट द बेस्ट प्रोडक्शन प्लान इन ईच केस एंड रिजल्टेंट आउट प्रॉफिट दैट द कंपनी वुड अर्न अकॉर्डिंग टू द सजेशन, कहता है बेस्ट रिजल्ट बताइए कि आपको किस तरीके से इस काम को करना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं की फैक्टर के क्वेश्चन, इसी को मैंने नाम दिया की फैक्टर. जब आपको मटेरियल एक लिमिटिंग फैक्टर दे दे कि मटेरियल इतना ही है, अब इस मटेरियल का आप बेस्ट यूज कैसे करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या फिर 5000 आवर्स ही हैं आपके पास काम करने के लिए, तो आप बेस्ट यूज कैसे करें कि आपको मैक्सिमम फायदा हो. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना चाहिए. तो सबसे पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रहा हूं. तीन प्रोडक्ट हैं आपके ABC, A, B एंड C, तीन प्रोडक्ट हैं. इन तीन प्रोडक्ट के लिए अपन वर्कआउट जो है वो करेंगे. तो अपन को कंट्रीब्यूशन निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालना है. कंट्रीब्यूशन निकालना अपन को आता है, सेल्स में से वेरिएबल को लेस करना और कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 20 रुपी पर यूनिट, 16 रुपी पर यूनिट एंड 10 रुपी पर यूनिट. ठीक है, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई. उसके बाद हमको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट में आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपी पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दे रखी है दैट इज 3 रुपी पर यूनिट, और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी वेरिएबल खर्चा है, 2 रुपी पर मिनट. ऐसे ही बाकियों का भी दे रखा है 4, 3, 1 और 2, 1.5 एंड 1. इनका टोटल अगर अपन कर दें तो ये आपका निकल जाएगा TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, ये पर यूनिट है, ये बात ध्यान रखना. अभी हम पर यूनिट पे ही वर्कआउट कर रहे हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करते हैं 6, 3, 9 और 2, 11, इसका 8 और इसका 4.5. सही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई. अब हम इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे, सेलिंग प्राइस है 20 रुपी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 11 रुपी पर यूनिट, तो 20 माइनस 11 दैट इज 9 रुपी पर यूनिट. सही है, तो ये आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन 9 रुपये, इसका निकलेगा 16 माइनस 8 दैट इज 8 रुपी पर यूनिट, इसका निकलेगा 10 माइनस 4.5 दैट इज 5.5 पर यूनिट. ठीक है, अब हमें अलग अलग की फैक्टर दिए गए. कंडीशन नंबर ए में आपको कहा गया था कि रॉ मटेरियल 12,100 kg है, यानी रॉ मटेरियल ही आपका की फैक्टर है. तो पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के हिसाब से. तो मैं कंडीशन नंबर ए डालता हूं, व्हेन रॉ मटेरियल इज की फैक्टर. रॉ मटेरियल की फैक्टर है हमारा कि हमारे पास सिर्फ 12,100 kg ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है. तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्या, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट. सही है, मटेरियल मुझे कितना रिक्वायर्ड है पर यूनिट. तो क्वेश्चन में दे रखा था कि आपका
मटेरियल जो है वो 10 रुपये किलो की रेट का है यहाँ लिखा है, और आपका सिर्फ 6 रुपये का ही मटेरियल लगा, 10 रुपये केजी की रेट है, 1 किलो की रेट है, यानी 1 किलो 10 रुपये में आता है, और हमारा तो 6 रुपये लगा, यानी 10 रुपये भी नहीं लगे, यानी 1 किलो भी नहीं लगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मटेरियल फिर कितना लगा, तो मटेरियल आपका लगा 6 रुपये के हिसाब से लगा ना, 6 रुपये लगा और 10 रुपये की रेट है, तो आपका मटेरियल लगा सिर्फ 0.6 केजी। ऐसे ही इसमें आपका मटेरियल लगा 4 रुपये का ही लगा, तो इसलिए वो कितना लगा, 4, और रेट थी 10 रुपये की, तो कितना लगा, 0.4 केजी। और यहाँ आपका मटेरियल लगा 2 रुपये के हिसाब से, और लगा रेट थी 10 रुपये की, तो यहाँ कितना लगा, 0.2 केजी। ये आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, टोटल यहाँ आपका 0.6 केजी ही मटेरियल लगा है, क्योंकि 10 रुपये किलो का रेट था और आपका तो 6 रुपये का ही सामान लगा, इसका मतलब 0.6 केजी ही सामान जो है वो आपका लगा। इससे आप निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी। अब हम जानते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन ना 9 रुपये, और ये रहा 0.6 केजी के हिसाब से, तो 9 अपॉन 0.6, 9 रुपये लगा 0.6 केजी पर, तो पर केजी कितना हुआ, 15 रुपीज़। यह हमारा कंट्रीब्यूशन रहा 8 रुपये, और यह रहा 0.4 केजी के हिसाब से, तो 8 अपॉन 0.4, दैट इज 20 रुपी, यानी पर केजी आपने 20 रुपये कमाए। और यहां 5.5 अपॉन 0.2, दैट इज 27.5 पर केजी, सही है। तो इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन पर केजी निकल गया, ए के लिए निकला 15 रुपी पर केजी, बी के लिए निकला 20 रुपी पर केजी, और सी के लिए निकला 27.5 पर केजी। तो अब हम इनको रैंक दे सकते हैं। रैंक क्या, सबसे ज्यादा कहाँ कमाया, 27.5 में, तो ये इसकी हो गई फर्स्ट रैंक। सेकंड कमाया बी में, तो इसकी हो गई सेकंड रैंक। और सबसे कम हमने 15 रुपये पर केजी कमाया ए में, तो ए की हो गई थर्ड रैंक। इस तरीके से हमने इसको रॉ मटेरियल के हिसाब से रैंकिंग दी है। अभी हमें लेबर के हिसाब से तो अलग से देनी है, तो अपन लेबर की देते हैं। हेडिंग लिखते हैं पॉइंट नंबर बी, व्हेन लेबर आवर्स आर की फैक्टर। लेबर आवर की फैक्टर है, आपको पॉइंट नंबर बी में कहा था कि लेबर आवर आपके पास सिर्फ 5000 आवर्स हैं, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां आपने निकाला था मेटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तब मैं निकालूंगा लेबर आवर पर मिनट। देखें हमारी लेबर लगी 3 रुपये, 3 रुपये और 1.5 रुपये, और लेबर की रेट क्या दे रखी थी, लेबर आवर था 15 रुपी पर आवर, यानी 1 घंटा अगर लेबर काम करेगी तो 15 रुपये लेगी, और आपसे तो 3 ही रुपये लिए, इसका मतलब उसने 1 घंटा भी काम नहीं किया। तो लेबर लगी है 3 रुपये, और 15 की रेट है, यानी 0.20 आवर ही इन्होंने काम किया है। फिर लेबर लगी 3 रुपये, और 15 रुपये की पर आवर की रेट है, तो 0.20 आवर ही इन्होंने काम किया। और फिर लेबर लगी 1.5, और 15 रुपये की रेट है, तो इस बार तो इन्होंने 0.10 आवर ही काम किया, यानी 1 घंटा भी काम नहीं कर रहा, इतने ही आवर काम कर रहे हैं। इससे आप कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल सकते हैं, सही है भाई। कंट्रीब्यूशन आपने 9 रुपये कमाए, और इस 9 रुपये को कमाने में आपके आवर लगे 0.20, 9 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमाया 0.20 आवर में, तो पर आवर कितना कमाया, 45 रुपये। आपने बी यूनिट पर 8 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाया, और इस 8 रुपये को कमाने में आपको 0.20 आवर लगे, तो आपकी रेट रही पर आवर 40 रुपी।
और 5.5 रुपीज आपने कमाए 0.10 आवर में, तो पर आवर आपने कमाए कितने हैं 55 रुपीज। ये आपके कंट्रीब्यूशन पर आवर निकल गए। अब आप इनको जैसे इनको रैंक दिए ना 1, 3, 2, 1, ऐसे इनको भी रैंक दे सकते हो। तो सबसे ज्यादा आपने 55 यहां कमाए, सेकंड आपने इस बार ए पे कमाए और थर्ड इस बार आपने बी पे कमाए। तो देख रहे हैं आप रैंक चेंज हो गई है ना, ऊपर थी 3, 2, 1, यहाँ है 2, 3, 1। तो रैंक अलग अलग आ सकती है क्योंकि यहाँ की फैक्टर मटेरियल था, मटेरियल के हिसाब से आपने कंट्रीब्यूशन पर केजी कैलकुलेट किया था, यहाँ की फैक्टर लेबर आवर है, आप कंट्रीब्यूशन पर आवर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स वाई रैंक चेंज आ गई। अब इनके हिसाब से आपका प्रोडक्ट मिक्स की टेबल बनेगी। तो पहले मैं रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्ट मिक्स की टेबल बनाऊंगा, फिर मैं लेबर के लिए प्रोडक्ट मिक्स की टेबल बनाऊंगा, कैसे देखते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट मिक्स बना रहे हैं, इस टेबल को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स व्हेन रॉ मटेरियल इज की फैक्टर, रॉ मटेरियल की फैक्टर है। यहां आपका आएगा प्रोडक्ट की, आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, फिर आपकी आएगी नंबर ऑफ यूनिट्स की, आपको यूनिट्स कितनी बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल की फैक्टर है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है और देन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल का कॉलम है। तो रॉ मटेरियल की फैक्टर है, तो अपन ने रैंक्स दिए थे रॉ मटेरियल के लिए, रैंक थे 3, 2, 1, यानी सबसे पहले सी फिर बी और फिर ए बनाएंगे, है ना। तो पहले सी बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे और सबसे लास्ट में आप ए बनाएंगे, सही है। तो सी की कितनी यूनिट्स आप मैक्सिमम बना सकते हैं, तो देखो इसमें लिखा था कि सी की आप मैक्सिमम 20,000 यूनिट बना सकते हैं, बी की आप मैक्सिमम 12,000 यूनिट बना सकते हैं और ए का अपन को चेक करना है। तो सी की हम मैक्सिमम 20,000 यूनिट बना सकते हैं, बी की हम मैक्सिमम 12,000 यूनिट बना सकते हैं और ए की यूनिट में मेटेरियल कम पड़ेगा, वो देखो मैं आपको बताऊंगा। अब हमें ये पता है रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड कितना है आपका, हम ये जानते हैं कि सी की एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगता है। देखो ये रॉ मटेरियल है और मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट दे रखा है और सी की एक यूनिट बनाने में 0.20 kg लगता है, सही है, 0.20 kg एक यूनिट बनाने में लगता है, तो ठीक है 0.20 kg लगता है एक यूनिट में सी की एक यूनिट में 0.20 kg लगता है। तो 20,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 20,000 × 0.20 दैट इज 4,000 kg, ठीक है। बी की एक यूनिट बनाने में मटेरियल रिक्वायर्ड है, बी की एक यूनिट बनाने में 0.4 kg, और हमें बनानी है 12,000 यूनिट्स, तो 12,000 यूनिट पर कितना लगेगा 0.4 के हिसाब से, दैट इज 4,800 kg, ठीक है। टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल था पॉइंट नंबर ए में लिखा था वो 12,100 किलो ही है। तो ए का कैलकुलेट करने से पहले मैं टोटल लगाता हूँ, ये आएगा टोटल है 12,100 kg, जिसमें से 4,000 और 4,800 kg तो आपका यूज हो चुका है। तो अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर में सिर्फ 3,300 kg ही सामान बचा है, ये बैलेंसिंग फिगर में है, ये मैंने सर्किल इस पे लगा दिया है, 3,300 kg ही आपके पास सामान बचा है। और हम ये जानते हैं कि ए की एक यूनिट बनाने में आपको 0.6 kg लगेगा, ये देखो आपने मेटेरियल रिक्वायर्ड ए की लगाया था 0.6 kg, हम ये जानते हैं 0.6 kg लगेगा। तो कितनी यूनिट्स हम बना पाएंगे, देखो 3,300 kg आपके पास सामान है, 0.6 kg के हिसाब से, तो 3,300 / 0.6 kg दैट इज 5,500 यूनिट्स। तो पहले हमने बैलेंसिंग वेयर में ये निकाला कि 3,300 यूनिट्स आपको 3,300 kg आपके पास सामान अवेलेबल है,
एक यूनिट बनाने में 0.6 केजी लगता है, तो 3300 डिवाइड बाय 0.6 केजी, तो आप कितनी यूनिट बना सकते हो? 5500 यूनिट। अब ये 5500 यूनिट आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस समय ये पता लग गया कि एक ही हम इतनी 5500 यूनिट्स ही बना पाएंगे, पूरी नहीं बना पाएंगे, जबकि ए के लिए हमारी कैपेसिटी 10,000 केजी की है, बट हमारे पास रॉ मटेरियल इतना बचा ही नहीं कि हम 10,000 केजी बना सकें। तो हमने कैलकुलेट किया हम कितनी एक यूनिट बना पाएंगे, 5500 यूनिट ही हम इसकी बना पाएंगे। ठीक है, अब हम एक यूनिट पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सी हमने सबसे पहले बनाया और सी पे हम कमा रहे हैं 5.5, बी पे हम कमा रहे हैं 8, इस पे 9। सही, सी पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 5.5 पर यूनिट, बी पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है 8 रुपये पर यूनिट और ए पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है 9 रुपये पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट पे आप 5.5 कमाएंगे तो 20,000 यूनिट पे आप कितना कमाएंगे, 20,000 इंटू 5.5, तो ये आपका आ जाएगा 1,10,000 रुपीज। एक यूनिट पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपये कमाएंगे तो 12,000 यूनिट पे कितना कमाएंगे, 96,000 यूनिट्स, और एक यूनिट पे अगर आप 9 रुपये कमाएंगे तो 5500 यूनिट से इसकी बनाएंगे तो इस पर आप कितना कमाएंगे, 49,500। ये आपका आ जाएगा टोटल सी, ये टोटल सी आपका आ रहा है 2,55,000, टोटल सी आ गया। अब सी में से अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकल सकता है, बट क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं दिए, तो फिक्स कॉस्ट पहले हमको निकालनी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट मैं यहाँ आपको निकाल के बता रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी। देखिए, हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी एबीसी की है वो कितनी है, ए की है 10,000 यूनिट, बी की है 12,000 यूनिट और सी की है 20,000 यूनिट, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। और सबसे नीचे फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आपको दे रखे हैं 5 रुपीज, 4 रुपीज एंड 2 रुपीज। इस तरीके से ये आपका हो गया 50,000 रुपीज और ये आपका हो गया 48,000 रुपीज और ये आपका हो गया 40,000 रुपीज। कुल मिलाकर फिक्स कॉस्ट आपकी लग रही है 1,38,000 रुपीज, तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 1,38,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,17,500, ये 255,500 है, उसमें से आपका फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,17,500। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि आप अपने 12,100 किलो मेटेरियल जो रॉ मेटेरियल की फैक्टर था उससे आप कमा सकते हैं। आप इसमें कोई भी इनर चेंज कर देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ कम हो जाएगा। तो की फैक्टर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ता है, रैंकिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं, तीसरा मटेरियल आपका हमेशा कम पड़ेगा, वो बैलेंसिंग फेयर में निकालना है, उससे आप उसकी यूनिट्स कैलकुलेट कर पाएंगे, वो यूनिट्स आप यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद उसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए, गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं और देन आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ये अपन ने किया प्रोडक्ट मिक्स जब रॉ मटेरियल की फैक्टर है, अब आगे चलते हैं प्रोडक्ट मिक्स व्हेन लेबर इज की फैक्टर। तो अब हम बना रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स व्हेन लेबर आवर्स आर की फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे हमें वो लिखना पड़ेगा, उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाएंगे वो लिखनी पड़ेंगी, देन लेबर आवर रिक्वायर्ड, देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देन टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो हमने रैंकिंग दी थी पहले पर उसको एक बार देखें, जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया था लिखा था व्हेन लेबर आवर इज की फैक्टर, तो रैंकिंग थी सबसे पहले हम बनाएंगे सी, फिर बनाएंगे ए, फिर बनाएंगे बी, तो सी ए बी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे सी, फिर बनाएंगे ए और सबसे लास्ट में आप बनाएंगे बी।
सी की आप मैक्सिमम यूनिट कितनी बना सकते हैं, देखिए टेबल में दे रखा है। सी की आप मैक्सिमम 20,000 यूनिट बना सकते हैं, ए की 10,000 यूनिट बना सकते हैं। तो सी की आप मैक्सिमम यूनिट जो बना सकते हैं वो 20,000 यूनिट बना सकते हैं, ए की आप मैक्सिमम 10,000 यूनिट बना सकते हैं, और बी सबसे लास्ट है, इसको अपन को चेक करना पड़ेगा कि इसकी कितनी यूनिट अपन बना सकते हैं। ठीक है, सी की एक यूनिट पर लेबर आवर जो है, लेबर आवर सी की एक यूनिट पे थे 0.10, इस पे थे 0.2 और इस पे भी 0.2, तो इस पे 0.10 थे। R पर यूनिट, 0.20 आवर पर यूनिट, 0.20 आवर पर यूनिट। यूनिट कितनी बना रहे हैं इसकी, 20,000। तो एक यूनिट बनाने में 0.10 आवर लग रहे हैं, तो 20,000 यूनिट में कितने लग जाएंगे, 2,000। एक यूनिट बनाने में 0.2 आवर लग रहे हैं, तो 10,000 यूनिट बनाने में कितने लग जाएंगे, 2,000 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास टोटल लेबर आवर कितने अवेलेबल है, लिखा है द डायरेक्ट लेबर आवर अवेलेबल 5,000 आ रहे हैं, हमारे पास टोटल आवर ही 5,000 है। यही हमारा की फैक्टर है, ये हमारा की फैक्टर है कि हमारे पास 5,000 आवर्स ही हैं। तो 2 and 2 4,000 आवर तो लग चुके, टोटल 5 है, तो बैलेंसिंग फिगर में आपके पास आवर बचे सिर्फ 1,000 आवर्स बचे हैं आपके पास। और ये 1,000 आवर्स भी जो हैं, इसमें आपको 0.20 आवर एक यूनिट में लगेगा, तो 1,000 आवर में आप कितनी यूनिट्स जो हैं वो बना पाएंगे, दैट इज 5,000 यूनिट्स। कितनी यूनिट बना पाएंगे, 1,000 डिवाइड बाय 0.20, हम 5,000 यूनिट बना पाएंगे, और ये 5,000 यूनिट आप यहाँ लिख दीजिए। तो देख लीजिए क्या किस तरह से सर्किल चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये आपका निकल गया कि आप बी की, क्योंकि यही कैलकुलेट करनी जरूरी होती है कि अब बी की आप यहाँ कितनी यूनिट बना पाएंगे। पिछली बार भी आपने जब रॉ मेटेरियल का किया था तब आपने यहाँ चेक किया था कि आप इसके कितनी यूनिट बना पाएंगे। अब कॉन्ट्रीब्यूशन सी की एक यूनिट पे आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 5.5। ए की एक यूनिट पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 9 रुपी। और बी की एक यूनिट पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 8 रुपीज। एक यूनिट पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन 5.5 कमाएंगे, तो 20,000 यूनिट पे कितना कमाएंगे, दैट इज 1,10,000। एक यूनिट पे आप 9 रुपए कमाएंगे, तो 10,000 यूनिट पे कितना कमाएंगे, दैट इज 90,000। एक यूनिट पे आप 8 रुपीज कमाएंगे, तो 5,000 रुपए कितना कमाएंगे, दैट इज 40,000। इस तरीके से टोटल सी आपका निकला 2,40,000। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल सकता है, और फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो जो पहले थी, फिक्स कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की थी, 1,38,000, तो वो अभी भी 1,38,000 ही रहेगी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 1,02,000। सही है, यानी अगर आप 5,000 आवर ही काम करेंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट 1,02,000 ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप किसी भी कंडीशन में नहीं कमा सकते। आप चाहे कितनी भी यूनिट्स यहां चेंज कर लीजिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, प्रॉफिट 1,02,000 से कम ही आएगा। 1,02,000 मैक्सिमम प्रॉफिट है जो इस लेबर आवर के की फैक्टर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो की फैक्टर के क्वेश्चन में एक बार रिकैप ले लीजिए, सबसे पहले प्रॉफिट एफडी स्टेटमेंट बनाना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो जो की फैक्टर उनके हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर केजी या कंट्रीब्यूशन पर आवर कैलकुलेट करना है, उनको रैंक्स देनी है, उन रैंक्स के हिसाब से एक बार हमने प्रोडक्ट मिक्स बनाया रॉ मटेरियल के हिसाब से, और देन उससे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वहाँ रैंक्स अलग थी, सी बी ए कैलकुलेट किया अपन ने, और जब लेबर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया तो सी ए बी के हिसाब से किया, और देन प्रॉफिट निकाला। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते हैं। तो इस तरीके के आप 2-3 क्वेश्चन लिख के जब आप करेंगे तब आपको इसका पूरा तरीका जो है कैलकुलेट करना आएगा। ओके, थैंक यू।